जय हिंद दोस्तों, आज से हम जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर की क्लास शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हमने बनाया हुआ है आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है आपको पता ही होगा, कंप्यूटर का जो ये कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना हुआ है, कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। नहीं आ रही क्या, आ गई ना। तो ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, गणना करने वाला। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, संगणक बोला जाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा को देखा जाए तो कंप्यूटर का क्या कार्य करता है उसको यहाँ पे परिभाषा में दिखाया गया है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है यानी मशीन है जो डेटा को क्या करता है, इनपुट यूनिट द्वारा लेता है। इनपुट यूनिट यहाँ पे क्या होती है, इनपुट यूनिट जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं, है ना। और फिर क्या करता है कंप्यूटर, उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार उस पर कार्य करता है यानी उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमको आउटपुट प्रदान कर देता है। तो मेन यही पे कंप्यूटर तीन कार्य करता है, क्या क्या, हम जो भी इनपुट देते हैं वो हमसे इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है, है ना। बस तीन ही काम कंप्यूटर करता है। अब ये हमारा है कंप्यूटर, अब देख सकते हैं क्या इसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इसको, इसको इसको नहीं बोल सकते, क्यों, सभी को हम अलग अलग कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। कब कंप्यूटर बोलेंगे, जब सभी एक साथ मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि बिना सीपीयू के हमारा ये मॉनिटर किसी काम का नहीं है, है कि नहीं है, किसी काम का नहीं है। ये हमारा है सीपीयू, ये है कीबोर्ड, BOARD, और ये है हमारा माउस। तो बिना यहाँ पे कितनी चीज़ हो गई, चार चीज़। बिना चारों चीज़ के हम एक कंप्यूटर सिस्टम हमारा नहीं तैयार होता है, है ना। ये पूरे मिल के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है जिसमें कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर रहता है। इसमें से अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो मान चलिए आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना माउस के हम काफ़ी चीज़ें जो है ओपन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारी हो गई क्या, अब इसे हम देख लेते हैं। कीबोर्ड हमारा है इनपुट डिवाइस, है ना। इसके माध्यम से क्या करते हैं, डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, डालते हैं। कीबोर्ड हो गया, और ये माउस क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है ना। लेकिन ये कौन सी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में ही पॉइंटिंग डिवाइस है, इससे हम पॉइंट करने के लिए किसी भी चीज़ को हमको क्लिक करना होता है। जैसे कि मारो हमारे पास यहाँ पे माउस है, तो यहाँ से हम इसको पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमको कर्सर लेके जहाँ पे जाना है और कहीं पे क्लिक करना है तो हम माउस का यूज़ करते हैं। उसी तरह से कीबोर्ड हमारा है, इसका यूज हम भी डाटा एंटर करने के लिए करते हैं, चाहे तो हमको नंबर में करना हो या फिर टेक्स्ट के रूप में करना हो, जैसे भी करना होगा हम कीबोर्ड के माध्यम से डाटा एंटर करेंगे। फिर इसे देखने के लिए यानी इसका आउटपुट देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉनिटर का। इसी पे हमारा सारा आउटपुट आता है, और मॉनिटर पर जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है ना, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, है ना। इस पे हमें जो मिलता है आउटपुट वो होती है सॉफ्ट कॉपी। अगर इसी को हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, फिर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर के माध्यम से इसे हम प्रिंट कर लेते हैं। अभी हमारी थोड़ा सा परिभाषा हमको लग रहा है को छूट गई है। हाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कंप्यूटर का क्या कर है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। तो यहाँ पे हमने कुछ और लिखा हुआ है, परंतु आज इसकी परिभाषा
ही बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना करने के लिए नहीं किया जाता है, आजकल कंप्यूटर का कार्य बहुत सारे कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे कि म्यूजिक सुनने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने के लिए, है ना, बहुत सारे कार्य करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब अगर इसे हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, यानी जो भी जो कि डाटा को स्टोर कर सकती है, मैनिपुलेट उसे उसे उस पर काम कर सकती है, उसे एडिट कर सकती है, एंड प्रोसेस और उस पर प्रोसेस कर सकती है डाटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया दिया है उसी के हिसाब से वो काम करेगी, है ना। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य करता है? नहीं करता ना, जब तक हम उसे कुछ कहेंगे नहीं कि ये करना है तब तक वो अपने आप कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, सभी प्रकार के कंप्यूटर एक ही मूल तार्किक संरचना का अनुसरण करते हैं। कंप्यूटर तीन बेसिक इकाइयों से बने होते हैं, और कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, एक होता है हमारा इनपुट यूनिट, है ना, और दूसरा है आउटपुट यूनिट, और एक बीच में हमारा है ये सीपीयू, है ना। इनपुट वाला जैसे हमारा काम हो गया, इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है ना, और आउटपुट वाला आउटपुट डिवाइस, बहुत सारे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस में, हम सीखेंगे कौन कौन सी डिवाइसेस में यूज की जाती हैं, और बीच में हमारा आ जाता है सीपीयू, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इनपुट डिवाइस तो हमने बता ही दी, कीबोर्ड माउस, ये सारे इनपुट डिवाइस है, बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से भी डाटा यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर और प्रिंटर प्लॉटर ये सारे हो गए, है ना। अब देखिए सीपीयू के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, है ना, एक यहाँ पे है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसे हम एमयू कहते हैं, इसे सीयू कहते हैं, और इसे एएलयू कहते हैं, है ना, और इसके नाम से ही पता चलता है ये किस काम के लिए प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सीपीयू बहुत बड़ा सा होता होगा, है ना, जब भी आपने हमने यहाँ पे देखा है ऊपर, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सीपीयू नहीं होता है ना, ये सिर्फ एक बॉक्स है, कैबिनेट इसको बोलते हैं कंप्यूटर का, इसके अंदर सीपीयू होता है, और जो सीपीयू मेन है वो क्या है, ये है, यही है हमारा सीपीयू, है ना, जो देखने में बहुत छोटा है, और ये देखिए इस ये मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगा होता है, इस पे इतना बड़ा सा सीपीयू होता है, किसी दिन आपको हम निकाल के दिखाएंगे कंप्यूटर के अंदर से, है ना। तो ये है सीपीयू, ये क्या करता है, यह इनपुट यूनिट द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश की प्रोसेसिंग करता है, जो भी इनपुट कीबोर्ड माउस के द्वारा डाटा दिया जाता है सीपीयू को उस पर प्रोसेसिंग करता है ना, फिर जो भी निर्देश दिए रहेंगे यूजर के अनुसार कार्य करके परिणाम को आउटपुट यूनिट को सौंप देता है। मान लो आपने कंप्यूटर को काम दिया जोड़ने के लिए, दिया कि आप 2 और 5 को जोड़िए, अगर आपने एक्सेल में डाला तो आपको इस तरह से फार्मूला लिखना पड़ता है, 2 + 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा, है ना, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रदर्शित कर देगा, और ये काम कौन किया, सीपीयू करता है, तो प्रोसेस करने का जो भी काम रहेगा वो सीपीयू करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू, इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कंप्यूटर की स्पीड, अगर ये अच्छे प्रोसेसर रहेगा तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़िया रहेगी, नहीं तो फिर अब कंप्यूटर आपका स्लो चलेगा। इसके तीन भाग हमने देख लिया, एएलयू, सीयू और ईएमयू। अब यहाँ पे एएलयू क्या है, इसका पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, क्या दिया गया, कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी जो भी कमांड देंगे उसका क्रियान्वयन गणितीय तथा तार्किक क्रियाएँ इस यूनिट के द्वारा होती हैं। इसे यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, अरिथमेटिक यानी गणना करना, है ना, और लॉजिकल जो भी तार्किक गणनाएं होंगी उन सभी के लिए हम यहाँ पे एलयू का यूज करते हैं, और ये क्या करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग और तार्किक, तार्किक का मतलब यहाँ पे दिया गया है क्या करना, डेटा की तुलना करना यानी कंपेरिजन करना, चयन करना, सिलेक्ट करना, ठीक, मिलान करना आदि कार्य के लिए यहाँ पे हम एलयू का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ये क्या करता है,
कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। जो भी कंप्यूटर में लगे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जितनी भी चीज़ें लगेंगी, सभी चीज़ को जो है नियंत्रण करने का काम कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक। साथ ही एलयू और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। जूम कहाँ से होगा ये? ओ, इस तरह से होता है। ठीक। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? डेटा, निर्देशों को, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए करते हैं। जो भी हम डेटा बनाएंगे, मान लो हमने कोई फाइल बनाई है, उसको हमको स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज़ करेंगे। ये वास्तव में कंप्यूटर का एक कार्य क्षेत्र है, जहाँ सीपीयू डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है कि दोबारा उसे हम फिर से यूज कर सके, है ना। और इस मेमोरी को मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी, प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इनपुट इकाई और आउटपुट इकाई क्या होती है? इनपुट इकाई क्या होती है? इनपुट इकाई एक ऐसी यूनिट होती है जिसकी मदद से डाटा या निर्देश कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया है, कीबोर्ड, माउस, इनके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर दर्ज करते हैं, और हमारे पास एक पेन है, इसके माध्यम से भी करते हैं। और आउटपुट यूनिट, ये क्या है? आउटपुट इकाई एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम प्रोसेसर या सीपीयू द्वारा लिखे गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये आउटपुट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में हो सकता है। जैसे हमने अभी बताया आपको, सॉफ्ट कॉपी के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको कहाँ पर दिखाई देगा? मॉनिटर पर दिखाई दे देगा, है ना। अब हार्ड कॉपी के रूप में आप देखना चाहते हैं तो जिस तरह की आप डिवाइस यूज करेंगे, है ना। मान लो आपने प्रिंटर पर लेना है तो आप इसको प्रिंटर पर ले सकते हैं। अगर प्लाटर पर लेना है तो प्लाटर पर ले सकते हैं। मान लो आपने गाना चलाया है, म्यूजिक सुनना है, तो उसको हम किस पर ले सकते हैं? स्पीकर पर ले सकते हैं। ठीक। अगर हमको मान लो दीवार में दिखाना, जैसे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाए हैं, अगर प्रोजेक्टर लगाए होते तो हम प्रोजेक्टर पर भी ले सकते हैं। तो ये जिस तरह से हम डिवाइस को यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए, उस तरह से हम आउटपुट उसका ले सकते हैं, है ना। अब अगर कंप्यूटर यानी डिस्प्ले रहेगा तो वो हार्ड सॉफ्ट कॉपी रहेगा, अगर हम इसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार। वैसे सामान्यतः कंप्यूटर के तीन प्रकार होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। फोन में भी होता है सीपीयू। फोन में भी जैसे आया है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जब फोन खरीदा जाता है तो उस समय अब जिसको जानकारी रहती है वो तो देखता है कौन सा प्रोसेसर यूज किया जा रहा है, नहीं तो नॉर्मल ऐसे ही खरीद लेता है, है ना। उसमें भी रैम पे भी डिपेंड करता है, आपके फ़ोन की स्पीड कितने रैम का है, है ना। यहाँ पे हमने रैम लिख दिया है, फिलहाल इसको कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमारा जो बोर्ड है 4GB 32GB का है, लेकिन हमारा जो फ़ोन है वो 8GB 128GB का है, तो इससे कहीं ज़्यादा गुना का है, लेकिन काम के हिसाब से इतना चल जाएगा ये। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड में यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे फिर ज़्यादा रैम का, और प्रोसेसर भी आपका अच्छा होना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि जो लोग गेम वेम खेलते हैं वो लोग अच्छा प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मल यूज़ करने के लिए आपका इस समय जो चल रहा है नॉर्मल कंप्यूटर में, वो i3 प्रोसेसर है ना। अगर i3 प्रोसेसर सबसे बेस्ट इस समय चल रहा है, आप पैसा लगाएंगे तो फिर आप i5 i7 तक जा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी जनरेशन है, वो अलग अलग डिपेंड करते हैं। नॉर्मल आपका i3 में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और कोई क्वेश्चन? नो। चलिए, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।